फ्रेंड्स, हमको सबसे पहले क्या करना है? मैंने ये देखिए नीचे कपड़ा बिछा लिया है, मगर मैंने ऐसे ही बिछाया, कोई नाप नहीं लिया है। और सबसे पहले हमको कपड़े का क्या करना होता है फ्रेंड्स? लंबाई लेनी होती है। तो मैं सबसे पहले इसकी लंबाई ले लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लंबाई लेनी है। तो इसकी लंबाई फ्रेंड्स 40 इंची है तैयार। तो 40 इंची है। अगर आपको तुरपाई वाला बनाना है तो इसके अंदर 2.5 इंची के करीब लेंथ बढ़ानी होगी। और अगर ये स्टिचिंग वाला करना है फ्रेंड्स, तो आपको 1.5 इंची के करीब बढ़ाना है, क्योंकि 1/2 इंची शोल्डर में चला जाता है फ्रेंड्स, और बाकी 1 इंची के करीब हमारा इधर से फोल्ड हो जाता है। तो ये मेरा 40 है। तो सबसे पहले हम लंबाई ले लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, तो मैं 40 फ्रेंड्स इधर से लूंगी। और ये देखिए मेरा कपड़ा एग्जैक्ट ही पूरा ही है। देखिए 40 एंड 41 प्लस हाफ है, तो ये मेरा पूरा ही आ जाएगा। इसको मुझे निशान लगाने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब हम सबसे पहले कपड़ा किस तरीके से बिछाना है, उसके लिए हमें हिप लेनी होती है फ्रेंड्स। पहले हम हिप लेते हैं, उसके बाद हमें कपड़े की चौड़ाई पता चल जाती है। तो ये देखिए, यहाँ से हिप के यहाँ से देखिए इस तरीके से इस साइड से उस साइड तक नाप लेना होता है फ्रेंड्स। तो ये 21 एंड हाफ है फ्रेंड्स। तो ये थोड़ा उन्होंने बोला है फिटिंग है, तो मैं 22 रखूंगी। देखिए फ्रेंड्स, 22 मुझे तैयार रखना है। तो मैं 22 के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमको यहां से थोड़ा इसे 4 भाग कर लेने हैं 22 के। तो हमने 22 लिया है फ्रेंड्स, तो 22 हमारा आधा है, तो उसका हमने डबल किया तो 44 हो गए। तो 44 का मैं फ्रेंड्स तो 4 भाग करना है, तो 4 भाग मेरे 11 आ गया। और 11 में 1/2 इंची मैं मार्जिन के लिए रखूंगी और 1 इंची फोल्ड के लिए रखूंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा इस तरीके से आ गया। ये मेरा सबसे पहला नाप हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद हमको हिप का देखना होता है फ्रेंड्स, क्योंकि किसी किसी की हिप ज्यादा होती है और चेस्ट कम होती है, और किसी किसी में चेस्ट ज्यादा होती है और हिप कम होती है। तो पहले हमको दोनों ही नाप ले लेने हैं। तो मैं देखिए ये चेस्ट का नाप लूंगी, जहां से दोनों ये सिलाइयां मिली होती हैं स्लीव्स की, वहीं से लेना है फ्रेंड्स। तो ये मेरा देखिए 20 आ रहा है, तो मैं इसको 20 1/2 इंची मुझे सारी जगह से बढ़ाना है, तो 20 एंड हाफ रखूंगी फ्रेंड्स। तो इसका हमने डबल किया तो 41 आ गया है। तो 41 का मुझे 4 भाग करना होगा फ्रेंड्स। तो 41 का 4 भाग किया तो 10.25 आ गया। ये देखिए 10.25 पे हम निशान लगा लेंगे और 1/2 इंची लूसिंग की रखेंगे फ्रेंड्स, और 2 इंची कटिंग के लिए रखेंगे। यहाँ हम 1 इंची रखते हैं, यहाँ हम 2 इंची रखते हैं फ्रेंड्स। 1/2 इंची मैंने लूजिंग के लिए, वैसे स्टिच ये जो सिला हुआ रहता है इसमें लूजिंग लेने की जरूरत नहीं रहती फ्रेंड्स, मगर उन्होंने थोड़ा सा लूज ही बोला है। 1/2 इंची मैंने उधर लूज छोड़ दिया और 1/2 इंची इधर छोड़ दूंगी, तो मेरा परफेक्ट हो जाएगा। उनको ये ड्रेस टाइट है, इससे उन्होंने 1 इंची लूज के करीब बोला है। तो ये देखिए इस तरीके से आ गया फ्रेंड्स। अब ये मेरा कपड़ा एकदम बराबर है। तो सबसे पहले हम इसको कपड़े को कटिंग कर लेंगे फ्रेंड्स, जिससे कि ये मेरा कपड़ा एकदम बराबर बराबर आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैं स्ट्रेट कपड़ा निकाल लूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पूरा कपड़ा निकल के रेडी हो गया है। अब हमको इसका पूरा
मेजरमेंट ले लेना है कि कहाँ कहाँ पे हिप और चेस्ट का आ गया है। अब हम कमर का ले लेंगे फ्रेंड्स। देखिए कमर हम कहाँ पे लेते हैं, ऐसे वैसे तो हम जब मैंने पहले मेरी वीडियो में दिखाया है 13 पे 14 पे रखते हैं, कम हाइट हुई तो 13 पे, नहीं तो 14, ज्यादातर का 14 ही रखते हैं। मगर इसमें हम देखेंगे जहां पर गोलाई होती है फ्रेंड्स वहीं पे कमर होती है, तो ये 19 है, तो फ्रेंड्स मैं 19 में हाफ इंची एक्स्ट्रा रखूंगी, तो 19 का हो गया 38 और एक प्लस हो गया तो 39 हो गया फ्रेंड्स। तो 39 का हम 4 भाग करेंगे, यहाँ से हम 14 ले लेते हैं पहले, ये 14 और ये हम इधर हम 20 पे निशान लगाएंगे फ्रेंड्स, जो ये हिप्स का है, और ये मेरा 14 पे रहेगा और ये मेरा शोल्डर के हिसाब से रहेगा फ्रेंड्स, जितना हमें शोल्डर लेना है, तो मैं 6.5 शोल्डर लूंगी। और हम पहले सबसे पहले ये 3 निशान का ऐसे निशान लगा लेंगे जिससे कि मैं इस पे ड्राफ्ट लगा सकूं। ये देखिए ये देखिए ये 3 मेरे निशान आ गए हैं फ्रेंड्स। अब हमें क्या करना है कि जो ये निशान है ये तो एकदम बराबर है, ये वाला मैं इसके हिसाब से ऊपर कर देती हूँ। ये देखिए ये देखिए और कमर का ले लेती हूँ, तो 39 है मेरी कमर, 39 का हो गया 4 भाग पौने 10 फ्रेंड्स, और पौने 10 के बाद में हो गया हाफ इंची लूजिंग रखेंगे और 2 इंची का हमको कटिंग का रखना है फ्रेंड्स। अब हम ये फट्टी से पूरे निशान लगा लेंगे, सबसे पहले मैं यही लगाऊंगी, उसके बाद में मैं आर्म होल्स का लगाऊंगी फ्रेंड्स, जिससे कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसमें लूजिंग वाले पे निशान नहीं लगाया, इस पे लगाया है क्योंकि मैं इसके साइड में ही फिटिंग का निशान दूंगी, क्योंकि ये आधा इंची मैंने लूजिंग छोड़ी है, मगर जब मैं सिलते टाइम इसके बीच में सिलाई लगाना चाहूंगी, थोड़ा हाफ इंची के बजाय थोड़ा कम कर लूंगी, या मेरा दिल होगा तो उसके हिसाब से मेजरमेंट के हिसाब से हाफ इंची पे बाद में लगा लूंगी, क्योंकि ये मैंने उसके कपड़े से लिया है तो कपड़े पे इधर ही परफेक्ट आता है, तो कपड़े की वजह से मैंने इसी पे निशान लिया है, लूजिंग पे नहीं लिया। तो एक बार हम जितना ये होता है फ्रेंड्स घेरा होता है, मतलब हिप्स होती है, उतना ही हमारा घेरा आना चाहिए, तो ये देखिए मेरा बराबर ही आ रहा है फ्रेंड्स। और हमको इसका भी घेरा नाप लेना है, क्योंकि काफी लोग घेरा ज्यादा पहनते हैं और काफी एकदम परफेक्ट पहनते हैं, तो ये 22 है फ्रेंड्स, तो 22 का हो गया 44, तो ये देखिए फ्रेंड्स 11 आएगा मेरा, ये 11 आएगा 44 का 4 भाग, और फिर हाफ इंची में लूजिंग रखूंगी, और फ्रेंड्स इसमें भी मुझे हाफ इंची मिलाना है, तो ये मेरा 11.5 के करीब आ गया है, ये मेरा 11.5 आएगा, और फिर मैं हाफ इंची लूजिंग रखूंगी इधर, ये देखिए हाफ इंची लूजिंग और 1 इंची फोल्ड के लिए रखा है, तो ये भी मेरा एकदम बराबर है फ्रेंड्स, ना मुझे कटिंग करनी है ना मुझे कुछ करना है। अब हम ये लेंगे फ्रेंड्स शोल्डर ले लेंगे, देखिए थोड़ा तिरछा लग रहा है, तो मैं एक बार इसको अच्छे से नाप लेती हूँ, ये देखिए इधर 7 है, मुझे 6.5 रखना है, ये देखिए फ्रेंड्स इधर से मुझे सबसे पहले, अब हम इसके ऊपर से हमको इसका शोल्डर नापना है फ्रेंड्स कितना है, तो ये देखिए मैं इसको अच्छे से बिछा लेती हूँ, ये इस तरीके से फैलाना नहीं है फ्रेंड्स, सिर्फ बिछाना है, और फिर हमको गले को भी इस तरीके से रखना है, और हम इसको ये देखिए ऐसे नाप लेंगे, तो ये फ्रेंड्स देखिए 12.5 आया है,
12 है और हाफ इंची दोनों तरफ, तो ये 13 हो गया है फ्रेंड्स। तो 13 को हाफ हाफ इंची सिलाई में गया हुआ है, वो भी नापना है। तो 13 का हमने हाफ किया तो 6.5 आ गया फ्रेंड्स। तो 6.5 का निशान लगाएंगे। ये देखिए, और यहां से इसका हम हाफ कर लेंगे, क्योंकि फ्रंट और बैक साइड की सिलाई का हमें लेना है, तो 3.25 आ जाएगा। और 3.25 से हम इस तरीके से गोलाई कर देंगे फ्रेंड्स। ये देखिए, मेरा फ्रंट और बैक साइड दोनों निकल गए हैं फ्रेंड। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, आप फिर से एक बार चेक कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने इतना लिया है, मेरा पूरा बराबर है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। सभी कपड़े बराबर होने चाहिए, क्योंकि ये कॉटन का नहीं है, खिसक रहा है कपड़ा, तो कपड़ा खिसकना नहीं चाहिए, इससे हमारी फिटिंग में फर्क आ जाएगा। अब मैं कटिंग कर लेती हूँ फ्रेंड्स। बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हम बैक साइड की कटिंग करेंगे। ये देखिए, ये मेरा कटिंग का निशान है फ्रेंड्स। ये देखिए, ये मैंने पूरा पहले कटिंग कर लिया है, तो इसलिए हमें काटने की जरूरत नहीं है। ये मेरे कटिंग परफेक्ट हो गई है। ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे फिटिंग का निशान है। आप चाहें तो ये निशान भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको फोल्ड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स। ये देखिए, ये हमारा फोल्ड करने का है, और ये हमारा फिटिंग का निशान है फ्रेंड्स। ये मेरे फिटिंग के निशान है। अब आप ध्यान से देख सकते हैं किस तरीके से करना है। एक और चीज है फ्रेंड्स, जिसकी भी चेस्ट ज्यादा होती है, तो हम इधर से 3 इंची पे एक निशान और लगाते हैं, और उसमें अगर चेस्ट ये इधर का नाप लेते हैं और फिर नीचे का लेते हैं, उसमें हम 1/2 इंची या इतना एक्स्ट्रा कर देते हैं, तो उसकी सिलाई फ्रेंड इस तरीके से आती है। ये देखिए, ये भी मैं एक टिप्स बता रही हूँ, थोड़ा ध्यान देने वाला है। ये इस तरीके से आती है फ्रेंड्स। उसमें चेस्ट अगर किसी की हैवी है, तो ये मेरी नॉर्मल है, मैं इसी पे सिलाई लगाऊंगी, मगर अगर किसी की है तो आप ऐसे लगा सकते हो, इस तरीके से फिटिंग आती है। तो अब हम दोनों पीस अलग करके आगे की कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, ये मेरी फ्रंट की कटिंग हो गई है फ्रेंड्स। और कोई कटिंग नहीं करनी होती है, ये फ्रंट की कटिंग हो गई है, और ये मेरी बैक साइड की कटिंग है।